अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं मॉडल पेपर का स्पेशल जर्नल और फर्स्ट ईयर अकाउंट। सबसे पहले तो रिक्वायर्ड पढ़ते हैं, रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन अप्रोप्रिएट स्पेशल जर्नल, इग्नोर द रेलेवेंट ट्रांजैक्शन। जैसे हम ट्रांजैक्शन देते हैं, कंपनी का नेम क्या है, मिस्टर फहीम ड्यूरिंग अक्टूबर कह रहा परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फ्रॉम मिस्टर सलीम। ये ट्रांजेक्शन परचेज जर्नल की है, परचेज जर्नल में आती है और स्पेशल जर्नल का पार्ट होता है। फिर परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट, ये भी स्पेशल जर्नल का पार्ट है। परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, भाई फर्नीचर परचेज करने की जो ट्रांजेक्शन है ये आपकी स्पेशल जर्नल की नहीं होती, क्योंकि स्पेशल जर्नल में आती है परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट या सेल मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट या परचेज रिटर्न ऑन अकाउंट या सेल रिटर्न ऑन अकाउंट। इसके अलावा जो भी ट्रांजेक्शन होती है वो आपकी स्पेशल जर्नल की नहीं होती, ठीक है ना। तो उसको स्पेशल जर्नल हम नहीं बनाया करते। तो जो भी एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन होगी रेलिवेंट होगी, जैसे फर्नीचर की रेलिवेंट है, फिर रिटर्न मर्चेंडाइज टू सलीम या आपकी परचेज रिटर्न चलने की ट्रांजेक्शन है जो स्पेशल का पार्ट है। फिर है डिफेक्टिव फर्नीचर, फर्नीचर नहीं आएगा। परचेज गुड्स मिस्टर अकरम, ये भी आएगा, गुड्स रिटर्न, सही। तो यहाँ पे दो जर्नल नजर आ रहे हैं मुझे, एक आ रहा है स्पेशल जर्नल में परचेज जर्नल, दूसरा परचेज रिटर्न जर्नल, ठीक है जी। तो पहले कॉलम वगैरह बना लेते हैं, नेम ऑफ कंपनी लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे हम उसके बाद फिर परचेज जर्नल और कॉलम बनाएंगे डेट, इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ सप्लायर्स, पीआर, अमाउंट, ठीक है जी। फिर दूसरा परचेज रिटर्न का बनना है, वही बनाएंगे, मिस्टर फहीम, परचेज रिटर्न जर्नल, डेट, रिटर्न में आता है मेमो नंबर, परचेज में आता है इनवॉइस, सेल में आता है इनवॉइस, और दोनों रिटर्न में मेमो नंबर, मेमो नंबर, नेम ऑफ सप्लायर, पी आर, अमाउंट। आप सामान खरीदते हैं तो बिल बनाते हैं, इनवॉइस बनती है, ठीक है। रिटर्न में मेमो लिख के देते हैं, भाई सामान खराब है, रीजन क्या है, किस वजह से खराब है, क्यों रिटर्न करना, वो सब आपका मेमो में। एक कहलाता है डेबिट मेमो, एक कहलाता है आपका क्रेडिट, ठीक है। आप पहले आते हैं पहले ट्रांजेक्शन परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फ्रॉम मिस्टर सलीम 24,000। ये ट्रांजेक्शन आएगी परचेज जर्नल में, पहले डेट डालते हैं 2021 अक्टूबर 2। फिर इनवॉइस नंबर कुछ सवाल में गिवन नहीं है, अगर होगा तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखते, जैसे हमने नहीं लिखा। फिर है नाम लिखेंगे मिस्टर सलीम, अमाउंट आ जाएगा 24,000। पीआर में यहाँ पे टिक डलता है कब, जब सब्सिडियरी लेजर रिक्वायर्ड, और अकाउंट नंबर आते हैं यहाँ पे जब सवाल में अकाउंट नंबर लिखे, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम नहीं लिखे। नेक्स्ट उसके बाद अक्टूबर 2 के बाद अक्टूबर 6, डेट डाली अक्टूबर 6, और यहाँ हो रहा है परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट फ्रॉम रहीम 16,000, यहाँ लिखा मिस्टर रहीम, अमाउंट लिखा 16,000। ये जो ट्रांजेक्शन है सारी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी डेट वाइज, ठीक है ना, जिस डेट पे जो ट्रांजेक्शन होगी उसके बाद रिकॉर्ड करा जाएगा। फिर है अक्टूबर 10 परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, जो सवाल में लिखा हुआ है इग्नोर इररेलेवेंट ट्रांजेक्शन, तो ये रेलिवेंट ट्रांजेक्शन है, हम इग्नोर करेंगे, सो कहीं नहीं लिखा। फिर 14 अक्टूबर रिटर्न मर्चेंडाइज टू सलीम वर्थ 4,000, सलीम को मर्चेंडाइज वापस करी, तो रिटर्न जर्नल में आएंगे, डेट डालेंगे अक्टूबर 14, नाम लिखा मिस्टर सलीम, अमाउंट लिखेंगे 4, ठीक है जी। 14 के बाद है डिफेक्टिव फर्नीचर, फर्नीचर है, ये भी रेलिवेंट ट्रांजेक्शन है, इग्नोर करेंगे। फिर परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर अकरम 18,000, परचेज जर्नल में आएगी, डेट डाली अक्टूबर 24, मिस्टर अकरम 18,000। फिर गुड्स रिटर्न टू मिस्टर रहीम 3,000, रिटर्न हुई है कौन सी डेट, अक्टूबर 28, मिस्टर रहीम, अमाउंट आएगा 3,000। टोटल करते हैं, सही है। तो यहाँ जो पहले एंट्री बनेगी, डेट देगी अक्टूबर 31, एंट्री बनेगी परचेज डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट, ये वन कॉलम एंट्री कहलाता है, कि डेबिट क्रेडिट वाला कॉलम एक ही कॉलम। ओके जी, उसके बाद फिर टोटल करके एंट्री बनेगी, क्या बनेगी, टोटल किया परचेज डेबिट अकाउंट क्रेडिट, और ये वन कॉलम एंट्री कहलाता है। अमाउंट प्लस करेंगे 24, 16, 40, 40 प्लस 18, 58,000, फिर आएंगे रिटर्न को टोटल करेंगे, डेट आएगी अक्टूबर 31,
और एंट्री बनेगी अकाउंट पेबल डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट अलाउंस, ठीक है, टोटल बनेगा 7,000। ठीक है जी, सवाल हमारा खत्म हो गया। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।